तो अगर आपने पेरेंट्स को समर दिखाना चाहते हैं, विंटर दिखाना चाहते हैं, और उनके पास कनाडा में स्टे करने का टाइम नहीं रह गया है क्योंकि उनका जो टूरिस्ट वीज़ा की जो वैलिडिटी थी, लाइक नॉट वैलिडिटी, अगर जो स्टे होता है 6 मंथ का, वो आ गया है पास में, तो आप एक्सटेंड कर सकते हैं स्टे को बेसिकली बाय अनदर 5-6 मंथ्स। तो इस वीडियो में वो सारा कुछ देखेंगे, कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या फीस है और क्या प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपके पेरेंट्स का या जो जिसके भी आपके रिलेटिव्स का जो भी यहाँ पे हैं जिनका आप स्टे करना चाहते हैं एक्सटेंड, अगर उनका जो वीज़ा है वो बहुत पुराना हो, 2015-2016 उस समय का वीज़ा है, और तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है और क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आते रहते हैं। तो अगर आपके पेरेंट्स को या सिस्टर ब्रदर किसी को भी अपनी स्टे एक्सटेंड करनी है बाय अनदर 5-6 मंथ, तो वो विजिटर रिकॉर्ड रेस कर सकते हैं। विजिटर रिकॉर्ड बेसिकली एप्लीकेशन का नाम ही है, वो एक एप्लीकेशन भरनी पड़ती है, तो विजिटर रिकॉर्ड बोला जाता है। तो उससे क्या होता है कि आपका जो टूरिस्ट वीजा है वो एक्सटेंड हो जाता है। ध्यान रखिएगा, टूरिस्ट जो विजिटर रिकॉर्ड है कोई वीजा नहीं है, वो जस्ट आपको अलाउ कर रहा है कि आप कनाडा में आगे रह सकते हैं। वो डिपेंड करता है इमिग्रेशन ऑफिसर पे कि वो आपके 6 मंथ बढ़ाए, 5 मंथ बढ़ाए, जितना आपने लिखा है उसके हिसाब से बढ़ाए, तो वो सब चीजों का ध्यान रखना। और अभी मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में फटाफट से ले जाता हूं और दिखाता हूं कि कैसे आपको एप्लीकेशन अप्लाई करनी है, क्या फीस स्ट्रक्चर है और किन बातों का ध्यान रखना है। तो यह मेरी कंप्यूटर स्क्रीन, और आप देख सकते हैं कि आपको गूगल में जाना है, कनाडा विजिट रिकॉर्ड सर्च करना है, और आपको जो रिजल्ट आएगा एक्सटेंड योर स्टे इन कनाडा, इसको ओपन कर लेना है। और मैंने पहले से ही ओपन करके रखा है, तो मैं आपको दिखा देता हूं। तो ऐसा कुछ पेज दिखेगा, और एक कनाडा गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहां पे आप देख सकते हैं इन्होंने पूरा प्रोसेस दिखा रखा है, कैसे अप्लाई करना है, कौन अप्लाई कर सकता है, फीस क्या है, सब कुछ दे रखा है। तो नीचे आएंगे, और सबसे पहले जो बात है, फीस इसकी है $100। ये सिर्फ एप्लीकेशन फीस है, नॉन रिफंडेबल फीस होती है ये। और प्रोसेसिंग टाइम जो अभी का है 99 डेज का, मतलब 3 महीने से भी ऊपर प्रोसेसिंग टाइम चल रहा है। बट एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप विजिटर रिकॉर्ड जनरली 1 महीना पहले रेस करते हैं। मतलब अगर आपके 1 महीना ही रह गया हो यहाँ पे स्टे करने का, मतलब 6 महीने से 5 महीने आप रुक गए हो, तो 5 महीने में आपको अप्लाई करना पड़ता है, 1 महीने अप्लाई करना पड़ता है, जब आपका एक्सटेंड जो मतलब टाइम पीरियड है वो खत्म हो रहा हो, ठीक है। लेकिन अभी जो प्रोसेसिंग टाइम है 99 डेज है, तो उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। आप 1 महीना पहले भी अप्लाई कर सकते हैं, और एक बार अप्लाई हो जाता है तो वो आप बता सकते हैं कि भाई हमारा अप्लाई है इसलिए हम स्टे कर रहे हैं। और यहाँ पे लिखा है वेन टू अप्लाई फॉर विजिटर रिकॉर्ड, जो मैं भी आपको बता रहा था 1 महीने वाली बात, यू मस्ट अप्लाई फॉर विजिटर रिकॉर्ड बिफोर योर करंट स्टेटस एक्सपायर। इफ यू आर नॉट श्योर वेन योर स्टेटस एक्सपायर, फाइंड हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे इन कनाडा। और बाय डिफॉल्ट टूरिस्ट वीजा में आप 6 महीना रह सकते हैं, या किसी के पासपोर्ट में मैंने सुना है इमिग्रेशन जो ऑफिसर है वो डेट भी लिखता है कि भाई इस डेट तक आपको कनाडा लीव करना है, अगर आपके उसमें कोई भी डेट नहीं है, मतलब आप 6 महीना रह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हु कैन अप्लाई है, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं विजिटर वर्कर ऑथराइज टू वर्क विदाउट परमिट स्टूडेंट। तो हम यहाँ पे अपने पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, भाई बहनों की बात कर रहे हैं, तो विजिटर है हमारा कैटेगरी, तो विजिटर करेंगे। और मैं सीधा सीधा आपको दिखा देता हूँ हाउ टू अप्लाई, सही है। तो ये सारा कुछ प्रोसेस अप्लाई करने का, बट हमें कहाँ जाना है, यहाँ पे, ठीक है, क्रिएट एन अकाउंट। और ध्यान रखिएगा जो आप अपनी एप्लीकेशन भरेंगे वो ऑनलाइन ही एप्लीकेशन भरिएगा, क्योंकि मेल करेंगे मतलब बहुत डिले हो सकता है उसमें कुरियर कराने में, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन बहुत इजी है और बहुत मतलब सारा जो अपडेट है वहाँ पे आपका आ जाता है। तो सबसे पहले आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्रिएट एन अकाउंट में साइन इन करेंगे, तो यहाँ पे साइन इन टू योर IRCC अकाउंट, और अगर आपके पास ऑलरेडी IRCC अकाउंट है तो उससे लॉग इन कर सकते हैं। बट इसमें एक जो इम्पोर्टेंट बात है, जब मैं एप्लीकेशन अप्लाई कर रहा था तो मुझे जो क्वेश्चन आ रहा था कि क्या मैं खुद अपने अकाउंट से अपनी मदर का एक्सटेंड करूं या उनका अलग अकाउंट बनाऊं, तो आपको क्या करना है, तो आपको उनका अलग से अकाउंट बनाना है, उनकी ईमेल यूज़ कर लेना या उनके लिए नई ईमेल बना के उनसे ही अकाउंट बनाएं, क्योंकि आप जब अप्लाई करेंगे तो आप अपनी तरफ से अप्लाई नहीं करेंगे, आपके मदर पेरेंट्स या पेरेंट्स की तरफ से अप्लाई करेंगे, तो उन्हीं का नाम उस एप्लीकेशन में आता है, तो आप अलग से एक अकाउंट बनाइएगा, उसी से अप्लाई करना, ठीक है। आप अकाउंट बना लेना, और उसके बाद अकाउंट जब बन जाता है तो उस मैं एप्लीकेशंस भरनी होती है, कि वो दिखाएगा भाई ये एप्लीकेशन आपको भरनी है, ये आपको डॉक्यूमेंट्स भरने हैं, और उसके बाद आपको फीस वगैरह सब सबमिट करनी है। तो आपको अकाउंट में लॉगिन करके दिखा देता हूँ कैसा दिखता है, क्या क्या एप्लीकेशन होती हैं, और उसके बाद फर्दर डिस्कस करेंगे क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं जो मुझे आई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा है एप्लीकेशन अप्रूव हो चुकी है, और डेट मैंने 11 अक्टूबर को सबमिट करी थी, और ऑलमोस्ट विद इन 1 मंथ हमारा सब कुछ हो चुका था। तो ये है वो एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स जो हमें अप्लाई या अपलोड करने पड़ते हैं बेसिकली। तो आपको एक फॉर्म होता है IAM 5708
ई, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ती है, और यही एक मेन फॉर्म है जो आपको भरना है आपका। अगर आपके पेरेंट्स बोथ पेरेंट्स हैं, फादर मदर, तो उनके अलग डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ सकते हैं, जैसे कि मेरे सर्टिफिकेट वगैरह है, बट मेरी मदर के लिए सिर्फ ये एक फॉर्म जमा करना पड़ा हमें, और साथ में आप देख सकते हैं कि पासपोर्ट लगा। रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म अगर आप ऑन द बिहाफ ऑफ सब एप्लीकेशन चेक करेंगे, सारा काम अगर आईआरसी से कम्युनिकेट करेंगे, तो आप ये फॉर्म में अपना डिटेल भर देना। और उसके बाद फाइनेंशियल सपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिखाना पड़ेगा कि आपकी मदर के पास एडिशनल 6 मंथ रहने के पैसे हैं या आप केयर करने वाले हैं, तो आप उनके बैंक स्टेटमेंट, अपने पेरेंट्स के बैंक स्टेटमेंट निकालेंगे इंडिया से, तो बहुत झाड़ हो सकता है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप अपना जो बैंक बैलेंस है, आप अपना बैंक बैलेंस और अपने स्टेटमेंट, अपनी सैलरी स्लिप्स, वो यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। मैंने ऐसे किया था, मैंने अपने बैंक स्टेटमेंट और अपनी जो सैलरी स्लिप्स हैं वो लगा दी थी। तो आप पूछेंगे कितने मंथ का लगा सकते हैं, 3 से 4, मतलब 6 महीने तो बेस्ट है, बट मैंने आई थिंक 3 मंथ्स का ही लगाया था। और यहाँ पे एक जो फोटो लगेगी, एक फ़ोटो खिंचवा लेना स्टेपल्स वगैरह से, कैनेडा में यहाँ पे तो वॉलमार्ट स्टेपल से फ़ोटो खिंच जाएगी, $24-25 लगते हैं, और वो यहाँ पे अपलोड कर देना है। उनको सारा फॉर्मेट पता होता है, बस बता देना विजिटर के लिए है, तो आपको फोटो खींच के दे देंगे। तो फोटो के बाद ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये यहाँ पे दिखा रहा है कि LOE PDF, तो बेसिकली मैंने उसको यहाँ पे अपलोड किया हुआ था। ये ऑप्शनल होता है और मैं कहूँगा कि आप इसको ज़रूर अपलोड करिएगा, बता दीजिएगा कि क्या रीज़न है कि आप उनकी स्टे एक्सटेंड करना चाहते हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स की स्टे एक्सटेंड करना चाहते हैं क्योंकि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो आप वो एप्लीकेशन लिख सकते हैं कि आपको सपोर्ट चाहिएगा, या आप उनको विंटर्स दिखाना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं कि भाई हमें स्नो दिखानी है हमारे पेरेंट्स को, अगर समर का टाइम है तो समर में घुमाना है, तो जो भी रीज़न है यहाँ पर समझा दीजिएगा और लिखना है कि भाई उसके बाद वो लोग वापस चले जाएंगे, उनका यहाँ रुकने का कोई मोटिव नहीं है। उसके बाद आती है फ़ी की बात। अगर बायोमेट्रिक आपने पेरेंट्स का, आपके पेरेंट्स का पहले से हो चुका है और बायोमेट्रिक्स 10 साल के लिए वैलिड होता है, तो विदिन 10 ईयर्स अगर आपके पास बायोमेट्रिक है तो आपको ये $85 की फीस नहीं पड़ेगी। मेरी मदर का नहीं था, क्योंकि मेरी मदर और मैंने 2015 में टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया था कनाडा का, और हम दोनों यहाँ पे उस समय आए थे, तो हमारा जो टूरिस्ट वीज़ा था उस समय का है, तो मेरी मदर का भी 2015 का है, तो बायोमेट्रिक मेडिकल उनका उस समय कुछ भी नहीं हुआ था और मेरा भी नहीं हुआ था बेसिकली, तो यहाँ पे हमें बायोमेट्रिक्स करवाना पड़ा जिसकी हमें $85 फीस देनी पड़ी। और विजिटर का जो एक्सटेंशन होता है उसकी $100 एप्लीकेशन फीस है, सेम फीस है जितना टूरिस्ट वीज़ा में लगता है $100, तो ये है, तो $185 हमें देने पड़े। तो इतना ही कुछ होता है, एप्लीकेशन बहुत सिंपल है। आपको जो मेन फॉर्म है IM 5078E, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना, और इसी में लिखा होता है कि आपके जो पेरेंट्स अब आगे कितना दिन रुकेंगे, वो डेट डालनी पड़ती है, और कब यहाँ लैंड हुए, तो सारा कुछ इस पर इन्फॉर्मेशन रहता है। तो वो अगर जब आपके पास पुरानी टूरिस्ट वीज़ा की एप्लीकेशन हो, उससे देख के भर देना इस एप्लीकेशन को, पूरा मतलब रिलेवेंट रहता है, सेम फॉर्म सेम डिटेल भरेंगे तो सही रहेगा। आपके वीज़ा मतलब विजिटर रिकॉर्ड एक्सटेंशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आप पुरानी एप्लीकेशन भर सकते हैं या सही यहाँ पे सारी डिटेल भर सकते हैं। तो उसके बाद जो एक मेन चीज़ हमें फेस करनी पड़ी बायोमेट्रिक के साथ थी, वो थी मेडिकल का डॉक्यूमेंट। तो मेडिकल मेरी मदर का नहीं हुआ था पहले 2015 में, तो मेडिकल हमें देना पड़ा, और मेडिकल हमने यहाँ कराया तो हमें काफ़ी महंगा पड़ा, अराउंड $400+ का पूरा मेडिकल हुआ। अगर इंडिया में आई थिंक आप करवाएंगे तो 10,000 में हो जाना चाहिए सारा, तो यहाँ $400+ लगे, 185 ये लगे, तो 600 के अराउंड हमें पड़ा विजिटर एक्सटेंशन। तो आप उसका थोड़ा ध्यान देना, अगर आपकी आपके पेरेंट्स का मेडिकल बायोमेट्रिक हो चुका है तो $100 ही फीस पड़ेगी और प्लस फोटो की फीस पड़ेगी। तो मैं आपको टाइमलाइन बता देता हूँ, विद इन 1 मंथ हमारा सब कुछ हो गया था, और विद इन लाइक जैसे एप्लीकेशन सबमिट करी थी उसके अगले दिन ही बायोमेट्रिक रिक्वेस्ट लेटर आ गया था कि भाई बायोमेट्रिक प्रोवाइड करो, और उसके थोड़े दिन बाद आई थिंक 25 डेज के अंदर अप्रूवल हो गया था, बट उन्होंने कहा कि आपको मेडिकल भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। हाँ मतलब अप्रूवल पहले ही आ गया था और मेडिकल उन्होंने बाद में मांगा कि भाई आपका एप्लीकेशन अप्रूव है बट आप अपना मेडिकल सबमिट करवा दो। और जो एक बहुत मतलब यूनिक, नॉट यूनिक, और हमारे संग जो चीज़ हुई वो ये हुई कि जब मैंने एप्लीकेशन बना ली थी, मैं फॉर्म अपलोड कर रहा था ये IM वाला, तो अपलोड ही नहीं हो रहा था, एरर आ रहा था बार बार कि भाई आपके फॉर्म में कुछ गलती है, अपलोड ही नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या क्या मतलब सर्च करी, इधर उधर देखा कि भाई लोगों को ऐसा कभी कुछ हुआ है क्या, तो मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पता लगी कि आपको अपना दोबारा फॉर्म भर के आप देख सकते हैं, या आप अपनी एप्लीकेशन को पूरी डिलीट कर सकते हैं और दोबारा एप्लीकेशन भर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एप्लीकेशन पूरी डिलीट करी और उसको दोबारा भरा, और
उसकी वजह से मेरा फॉर्म अपलोड हो गया और मैं सबमिट कर पाया। तो अगर आपको ऐसी दिक्कत आए कि आपका फॉर्म अपलोड नहीं हो रहा है, तो आप अपनी जो एप्लीकेशन है दोबारा क्रिएट कर सकते हैं। बहुत इजी है, आपको बस वही क्वेश्चनर भरना पड़ता है, तो वो उसके बाद आपके जो फॉर्म है वो अपलोड हो जाएगा। तो वंस आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है, तो एक आपका घर पे लेटर आता है विजिटर रिकॉर्ड वाला, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसमें बताया गया कि आप यहाँ रह सकते हैं एक्सटेंडेड पीरियड के लिए। नहीं तो अगर आप जब यहाँ से दोबारा जाएंगे मतलब इमिग्रेशन में, जब अगर आप बैक होम जा रहे होंगे आपके पेरेंट्स, तो उनको दिक्कत आ सकती है। तो वो डॉक्यूमेंट उनके साथ दे देना, तो इमिग्रेशन ऑफिसर को पता रहेगा कि आपने विजिटर रिकॉर्ड आपके पेरेंट्स ने अप्लाई किया था और उसी के चलते आप यहाँ पे एक्सटेंडेड रहे हो। नहीं तो भाई ऐसा हो जाए कि आप मतलब क्वेश्चन करेंगे आप यहाँ पे क्यों रुके। वैसे उनके पास इन्फॉर्मेशन सारी रहती है, बट आप अपना अपने पेरेंट्स को विजिटर रिकॉर्ड दे देना। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो। आपके कुछ भी क्वेश्चन हो उससे रिलेटेड, आई नो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, मुझे भी क्वेश्चन थे, तो वो आप कमेंट करके बता सकते हो मुझे, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको पूरी करेक्ट राइट इन्फॉर्मेशन दूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के संग शेयर करो। अब मैं आपसे मिलूंगा अगले से इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव। टिल देन बाय।